लिरिक सिनेमा वो है जहाँ पर मैंने काफ़ी फिल्में देखी हैं, बड़ी सुपर हिट फिल्में वहाँ देखी थी, मैन थिएटर सिनेमा था ये, तो जहाँ पर मैंने भरोसा फिल्म देखी, गरीबों के बादशाह फिल्म देखी। इस काला के बराबर में ये है नहीं बल्कि था स्टार सिनेमा, आजकल वहाँ मोबाइल मार्केट बनी हुई है। स्टार सिनेमा का इफ्तिताह हुआ था नदीम की फिल्म थी नाराज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उत्तरखेल और इस वक्त मौजूद हूं एट्रियम मॉल में, जहां जदीद सिनेमा है, डिजिटल सिनेमा तीन मौजूद है नए बिल्कुल, लेकिन हम बात करेंगे आज की वीडियो में चार पुराने सिनेमा की। तो इलियास तदीब साहब अदाकार मेरे साथ मौजूद हैं, जो पहले भी एक वीडियो में मेरे साथ थे इसी सीरीज़ के सिलसिले में सिनेमा की। तो इलियास भाई क्या बोलते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, हम इंशाल्लाह आज जिन चार सिनेमा पर बात कर रहे हैं उनमें है लिरिक सिनेमा, बैम्बिनो, इस्काला और स्टार सिनेमा। ये वो सिनेमा है कि जो अपने वक्त में एक बेहतरीन सिनेमाघर हुआ करते थे, जहाँ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लगा करती थी। तो आज हम उन चार सिनेमाओं के बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे शौकत उत्तरखेल के साथ। इलियास साहब, मुझे आप लिरिक का सबसे पहले बताएंगे या स्टार सिनेमा का बताएंगे? क्योंकि अगर हम इस तरफ से आएँ सदर वाली तरफ से तो स्टार पहले आता है, और अगर हम दूसरे कायदे आज़म के मज़ार वाली तरफ से आएँ तो लिरिक पहले आता है। तो आप कौन से सिनेमा से शुरू करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में शौकत हम स्टार लेते हैं लिरिक सिनेमा से। लिरिक सिनेमा वो है जहाँ पर मैंने काफ़ी फिल्में देखी हैं, बड़ी सुपर हिट फिल्में वहाँ देखी थी, मैन थिएटर सिनेमा था ये, तो जहाँ पर मैंने भरोसा फिल्म देखी, गरीबों के बादशाह फिल्म देखी, बहुत सी फिल्में देखी, इंडियन एक फिल्म आई थी जहाँ वो मैंने वहाँ पर देखी थी। और अपने वक्त में एक बड़ा खूबसूरत सिनेमा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा ख्वातीन वहाँ पर आया करती थी, और उससे पहले काफ़ी इंग्लिश फिल्में भी वहाँ पर लगी हैं, और बड़ा बेहतरीन सिनेमा था लिरिक। आपने उस वक्त टिकट कितने का लिया था, याद है कुछ? उस वक्त जब गैलरी का टिकट होता था तो उसके तकरीबन 12.5 या ये रेट था, 12.5 रुपये जी। ये मैं आपको 77 की बात बता रहा हूँ। ये हो गया लिरिक सिनेमा जी। उसके बराबर में है, उसके बराबर में है बैम्बिनो सिनेमा, और बैम्बिनो के साथ ही बिल्कुल जुड़ा हुआ है इस्काला सिनेमा। आप मुझे पहले बैम्बिनो के बारे में बताएंगे, वहाँ कौन सी फिल्म देखी आप? अच्छा, बैम्बिनो के बारे में मैं एक बहुत अहम बात आपसे बताने जा रहा हूँ। बैम्बिनो सिनेमा पे काफ़ी सुपर डुपर फिल्में लगी हैं, मैन थिएटर था ये भी, मगर यहाँ की एक यादगार फिल्म है नदीम शबनम और डायरेक्टर नजरुल इस्लाम साहब की आईना फिल्म। आईना फिल्म 1977 में रिलीज़ हुई थी, और तकरीबन ये 10 साल तक सिनेमा पे चलती रही है, जिसमें कुछ 4-5 साल ये बैम्बिनो पे चली है, उसके बाद शिफ्ट होकर इस्काला सिनेमा पे चली है, और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म जो थी वो आईना फिल्म थी। ठीक है, अच्छा, मैंने बैम्बिनो पे सिर्फ एक ही मूवी देखी है, जज्बा, जो फ्लॉप फिल्म थी। फिर उसके बाद एक दो फिल्में लगी और उसके बाद सिनेमा बंद हो गया, और आज भी हम जब आए तो बंद ही था सिनेमा, और हमने मालिकान से रابطہ करने की भी कोशिश की, लेकिन मैनेजर तक तो हम पहुंच गए, उनसे भी रابطہ हुआ, लेकिन उन्होंने हमें अंदर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी। बहरहाल हमसे जितने उसको कवर करने की कोशिश हो सकी हमने किया, और इस्काला में भी यही सूरत हाल थी, क्योंकि इस्काला के शायद कुछ मामलात हैं अलग से हैं, कुछ गैर मयारी फिल्में वहाँ चलती हैं आज भी, तो वहाँ का माहौल थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से उन्होंने भी हमें इजाज़त नहीं दी वहाँ वीडियोज़ बनाने की। तो बहरहाल इस्काला में कौन सी मूवी देखी आपने इलियास साहब? इस्काला में मैंने फिल्म देखी थी, काफ़ी फिल्में जो बैम्बिनो से उतरती थी वो सेकेंड रन में फिर इस्काला में चलती थी, तो आईना फिल्म मैंने इस्काला पर भी देखी। आईना फिल्म जो है वो मैंने कुछ 10-12 बार देखी होगी सिनेमा पर। अच्छा, बड़ी खूबसूरत मूवी थी, कमाल मूवी थी। प्रेजेंटेशन की बात होती है, आईना के टॉपिक पे सैकड़ों फिल्में बनी हैं, मगर उसकी डायरेक्शन ऐसी थी, उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी थी कि वो फिल्म जब भी आप देखते थे मज़ा आता था। अब भी अगर सिनेमा पे कभी रिलीज़ होगी तो मैं उसको ज़रूर देखूँगा। तो इस्काला पे मैंने आईना भी देखी, मैंने आसपास फिल्म भी देखी, बहुत पुरानी फिल्में भी वहाँ पर मैंने रिपीट में देखी इस्काला सिनेमा में। इस्काला छोटा सिनेमा होता था, उसमें तकरीब होता है अभी भी है वो, तो 200 के करीब सीटें थी, 170 के करीब थी, क्योंकि मेरी भी एक सराय की रीजनल मूवी चली थी गज़ल बादशाह। अच्छा, तो मेरा खुद प्रोड्यूस की थी, वो इस्काला पे रिलीज़ हुई थी, क्योंकि सराय की व्यूवर्स कम थे कराची में, तो इस्काला में उसको रिलीज़ किया था मैंने, तो मैंने अपनी ही फिल्म अपने व्यूवर्स के साथ देखी थी इस्काला पर। इस्काला के बराबर में ये है नहीं बल्कि था स्टार सिनेमा, आजकल वहाँ मोबाइल मार्केट बनी हुई है, बहुत बड़ी मार्केट है कराची की, और सदर का एरिया कहलाता है। तो यह सब स्टार की कुछ यादें शेयर करें हमें जी। बिल्कुल, स्टार सिनेमा का इफ्तिताह हुआ था नदीम की फिल्म थी
नाराज़ उससे, और नाराज़ फिल्म मैंने वहीं देखी थी स्टार सिनेमा में। हम लोग एक प्रोग्राम भी कर चुके हैं स्टार एंड ट्यूज़ के नाम से, जिसमें मुदल शेट्टी और ये बड़े बड़े जो हमारे सिंगर हैं तो उन्होंने परफॉर्म किया था, उस मामले का एक प्रोजेक्ट था। और वैसे भी स्टार बड़ा खूबसूरत सिनेमा था, मैन थिएटर था, और काफ़ी फिल्में स्टार सिनेमा पर रिलीज़ हुई हैं और भारतीय का पसंदीदा सिनेमा में से शुमार होता है स्टार सिनेमा। आजकल सिनेमाज़ ने बहुत तरक्की कर ली, मगर रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, जो टिकट्स हैं उसके 1000 रुपये और 900 रुपये नाइट है। तो लेर एक बैम्बिनो या इन सिनेमा में ये था कि टिकट सस्ते हुआ करते थे, और अगर आप आजकल के दौर में फिल्म देखने जाएँ तो कम से कम एक बंदे पर 2000 रुपये खर्च हो जाते घर से निकल के सिनेमा हॉल तक आना और फिर वापस आना था, क्योंकि फ्यूल भी, पॉपकॉर्न भी, बॉटल्स भी सारे। तो एक फिल्म की तफरी आपको 2000 रुपये तकरीबन इतना खर्चा हो जाता है फी बंदे पर, और अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फिर आपको धंधा तक कर सकते हैं। ये जदीद सिनेमा की बात हो रही है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, कुछ नई बात आपको पता चली होगी, आपके इल्म में आई होगी। तो सिनेमा के और थिएटर के हवाले से हम एक सीरीज़ करते हुए जा रहे हैं, यकीनन आपको पसंद आ रही होगी जब भी आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख चुके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द किसी नई वीडियो में, बहुत जल्द किसी नए सिनेमा पर, किसी नए थिएटर पर। तो इजाज़त दीजिए मुझे और इलियास नदीम साहब को, अल्लाह हाफ़िज़।